वेलकम टू माई चैनल। आज हम SJSU जो सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी है, हम उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट देखेंगे फॉर मास्टर प्रोग्राम। हम ये देखेंगे कि कितना GRE उसमें चाहिए, कितना AWA का स्कोर होना चाहिए, कितना TOEFL का स्कोर होना चाहिए और कितना GPA रिक्वायर्ड है फॉर मास्टर प्रोग्राम। तो सिंपली मैं गूगल पर जाकर यहाँ पर SJSU लिखूँगी एंड मैं क्लिक करूँगी। सो यहाँ पर मेरी SJSU की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट हमें ये वाली ओपन करना है। फिर यहाँ पर जाकर हम सर्च में एडमिशन लिखेंगे, एडमिशन के बाद ग्रेजुएट एडमिशंस, ग्रेजुएट एडमिशन के बाद हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम्स। स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर मास्टर प्रोग्राम्स के ऑप्शंस आ जाएंगे बहुत सारे, बट हमें एडमिशन रिक्वायरमेंट चेक करनी है। तो हम एडमिशन रिक्वायरमेंट पर जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर दो दे रखे हैं हमें, SJSU एडमिशन रिक्वायरमेंट और डिग्री प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। तो ऐसा होता है कि जो एक यूनिवर्सिटी में जब हम एडमिशन लेते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी की एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जिस डिग्री के लिए हम एनरोल करने वाले हैं कुछ उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। तो टेस्ट रिक्वायरमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें वो सब दिखाएगा कि कौन कौन से टेस्ट आपको देना चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करूँगी बट वो आता कंप्यूटर साइंस में है तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है अभी, तो मैं बैक जाऊँगी। फिर मैं प्रोग्राम रिक्वायरमेंट पर जाऊंगी जो हमारा डिग्री प्रोग्राम रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर जाने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल करूंगी तो टेस्ट स्कोर सबमिशन TOEFL GRE IELTS और जो भी हमारे GMAT जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब यहाँ पर हमको बताएगा कि ये सब होना चाहिए। फिर उसके बाद डिग्री प्रोग्राम रिक्वायरमेंट टेबल, यहाँ पर सारे जो कॉलेज हैं हमारे यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं वो ओपन हो जाएंगे। जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करूँगी तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, देन इसके बाद मैं GRE पर जाऊँगी। GRE पर जाने के बाद मैं एडमिशन रिक्वायरमेंट देखूँगी, एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए जो हमारा GPA है। तो द MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम इज़ लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स दैट हैव अचीव अ GPA ऑफ एटलीस्ट 3.0 और इक्विवेलेंट, बट वी विल कंसिडर्ड एप्लीकेंट दैट हैव GPA एज लो एज 2.75। उन्होंने ऐसा बोला है कि आपका GPA जो है ऑन अ स्केल ऑफ 4 वो 3 होना चाहिए, बट अगर किसी का 2.75 है तो वो लोग उसको भी कंसिडर कर लेंगे। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो हमारा होता है वो नॉट रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमको GPA तो हमारा पता चल गया कि GPA कितना होना चाहिए। फिर इसके बाद एडमिशन टेस्ट रिक्वायरमेंट्स, तो एडमिशन टेस्ट रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पर
जीआरई हमारा दिया है। तो जीआरई स्कोर आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट विद इन अ अंडर ग्रेजुएट डिग्री फॉर एबीटी एग्रीगेटेड डिग्री प्रोग्राम। तो इसमें ऐसा बोला है कि जो अंडर ग्रेजुएट जो डिग्रीज हैं उनके लिए जीआरई रिक्वायर्ड नहीं है, बट जो एमएस है, एमएस लाइक मास्टर प्रोग्राम है, तो उसका क्वांटिटेटिव प्लस वर्बल जो है स्कोर वो 294 होना चाहिए और उससे ज़्यादा। और एनालिटिकल राइटिंग जो है हमारा AWA ऐसे राइटिंग जो होता है वो 3 होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका AWA में अगर स्कोर 3 नहीं है तो प्लीज़ मत अप्लाई करना, क्योंकि मैंने अप्लाई करा था, मेरा 3 नहीं था तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है वहाँ से। तो प्लीज़ अगर आपका 3 नहीं है तो आप मत करना अप्लाई। फिर इन लोगों ने नीचे भी नोट दे रखा है, GRE इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एडमिशन एवेल्यूशन एंड कंटिन्यू टू बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द पैंडमिक। GRE स्कोर मस्ट बी फ्रॉम सिंगल टेस्ट डेट, जो एक ही दिन पर दिया हुआ होना चाहिए, दोनों AWA एंड वर्बल। एप्लीकेंट विद GRE कॉन्ट प्लस वर्बल स्कोर अंडर 294 विल बी डिनाइड। अगर आपका स्कोर 294 के अंदर है स्कोर अगर, तो आपकी एप्लीकेशन डिनाई हो जाएगी। एप्लीकेशन विद GRE AWA स्कोर अंडर 3.0 विल बी डिनाइड। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, अगर आपका AWA में स्कोर 3 नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन डिनाई होगी ही। तो अपने $70 लगते हैं कि एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए, तो प्लीज़ वेस्ट मत करना। इससे बेटर है कि आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी देखें जिसमें GRE का कुछ रिक्वायरमेंट्स ना हो, तो वो बेटर होगा। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो वो कैंसिल ही होना है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही क्लियरली लिख रखा है कि जिसका भी AWA स्कोर अंडर 3.0 होगा वो एप्लीकेशन डिनाई होगी ही। और इसके बाद ये हो गया हमारा। अब एप्लीकेशन जो सबमिशन होता है, तो एप्लीकेशन हम लोग सबमिट कैसे करें, तो उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइक हम लोग जब कैल स्टेट, जो हमारी एक जितनी भी हमारी कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ, उसकी अगर हमें वहाँ उसमें अप्लाई करना है, तो उन लोगों की सिर्फ एक ही वेबसाइट है, कैल स्टेट अप्लाई। तो वहाँ पर जाकर आपको अपना जो भी आपको प्रोग्राम में अपने जो एनरोल करना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर आप जब सर्च करोगे तो सारे ऑप्शन ओपन होंगे जितने भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटीज़ के हैं। फिर आप स्पेसिफिक लिखोगे SJSU, तो वहाँ पर SJSU आएगा, तो फिर आप वहाँ से ही अप्लाई कर सकते हो, आप इस वेबसाइट से अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ उस पर भी कि कैसे अप्लाई करना है, तो मैं वो एक वीडियो बना दूँगी। और थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिक लगा अगर वीडियो, कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।